अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नफीस अहमद है और मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आप अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये समझ रहे होंगे कि एंड्रॉयड ऐप तो वही बना सकता है जिसके पास कोडिंग की नॉलेज हो, जो जावास्क्रिप्ट को जानता हो। और बेसिकली ऐसा है भी कि अगर आप एंड्रॉयड बिजनेस ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई बिज़नेस है और उसको प्ले स्टोर में डालना चाहते हैं एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए, तो उसके लिए आपके पास जो है एक लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करें, इसी तरह जावा किट को इंस्टॉल करें। फिर उसके साथ साथ में आपको जावा स्क्रिप्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जो है कोडिंग करें। जैसे कि मैंने जो है अपने सिस्टम के अंदर ये एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रखा है। अगर लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं, प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं रखते हैं, फिर कैसे आप एंड्रॉयड ऐप को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे एंड्रॉयड को विदाउट कोडिंग के? यानी अगर किसी के पास कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी जो है वो एंड्रॉयड ऐप बना सकता है, वो कैसे? तो मैं बता रहा हूँ तरीका, इस वीडियो के अंदर आप देखते जाएँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक वेबसाइट है, ये नाम है उसका, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये इस वेबसाइट को ओपन कर लें आप, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि आप जो है इस साइड के ऊपर अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस एप्लीकेशन को आप आईफोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड के अंदर भी, ब्लैकबेरी के अंदर भी, विंडो के अंदर भी, सारे यानी जितने भी ऑप्शन है सब के अंदर ये जो है ये ऐप काम करेगा। तो उसके लिए करना क्या है, कि सबसे पहले क्रिएट योर फ्री ऐप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया तो अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि इंटर योर ऐप नेम, तो जो भी आप ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह का ऐप भी बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ इंटर करें। तो मैं डालता हूँ कि ठीक है, मैं ये अपने ऐप का नाम डालता हूँ। ठीक है, मैंने अपने ऐप का नाम लिखा है माय फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। अब ये यूँ कह रहे हैं कि इसमें आप ऐप की कैटेगरी सिलेक्ट करें, ये बिज़नेस ऐप है, इंफॉर्मेशन ऐप है, ऑनलाइन बिजनेस है उसका ऐप है, या फोटोग्राफ है, या हेल्थ है, रेस्टोरेंट है, जिस तरह का एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है, हायर कैब है, इंश्योरेंस है, तो जिस तरह का भी आप ऐप चाहते हैं वो ऐप, ये कैटेगरी, जिस कैटेगरी का आप ऐप बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं जैसे बिज़नेस सिलेक्ट करता हूँ या इंफॉर्मेशन कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, बस ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो मैं बिज़नेस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में जो है फेसबुक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज की आईडी है, तो आप अपना फेसबुक पेज, अपने फेसबुक पेज की आईडी यहाँ पे इंटर करें। तो मैं क्या करता हूँ कि facebook.com/public, ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है। मैं इसको यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे,
ये ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर वेट करें। यहाँ पर जो है प्रीव्यू दिख रहा है कि जो हम जो हमारा ऐप होगा वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है, खूबसूरत सा ऐप है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना थीम चूज़ करें, यानी आप अपने ऐप का डिज़ाइन किस तरह चाहते हैं, कि आपका ऐप किस तरह दिखेगा, ये डिज़ाइन है या इस तरह का, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद चूज करने के बाद में यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे मेन्यू बारे देखिए, एक है ये वेबसाइट है, ये अबाउट एस है, ये पेज है, ये फेसबुक पेज है, ये वीडियो है, यानी अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन जो है वो पूरे यहाँ दिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अबाउट अस जितने भी मेन्यू बने हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है मैक मनी हाउ टू गाइड मैक मनी फ्रॉम होम मैक मनी ऑनलाइन, कुछ भी अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी चेंज करना हो, अगर आप चाहते हैं कि इसका अपने पेज का नाम कुछ और डाल दें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप पेज का नाम डालेंगे वो वहाँ यहाँ शो करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे इंटर करें तो आप यहाँ से अपना लिंक अपनी वेबसाइट से लिंक भी ले सकते हैं और लिंक इंटर कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं होम पेज का लिंक डाल देता हूँ, उसके बाद सेव ड्राफ्ट, अगर मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि आप जो है साइन इन अकाउंट क्रिएट कीजिए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपना नाम यहाँ डाल के, ठीक है, यहाँ पे नाम, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ से फेसबुक के ज़रिए इस तरह जो है आप साइनअप भी कर सकते हैं। ये रिज्यूमे एडिटिंग पे क्लिक किया मैंने, अगर आप चाहते कि ये कुछ अगर इसमें से कुछ डिलीट करना चाहते तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आप इतने सारे ऑप्शन नहीं चाहते कि ये नहीं चाहते कि ट्यूटर भी हो या इसी तरह, तो आप यहाँ से जैसे इसको डिलीट कर दें, ठीक है, ये मॉडल डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं भी शो नहीं करना है आपके ऐप में तो आप मैप को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो पर्पज़ के लिए है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फ़ोटोज़ भी नहीं चाहिए, फ़ोटोज़ भी नहीं चाहिए तो मैं फ़ोटोज़ भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जब मैंने डिलीट किया, देखिए पहले यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे थे, वो सारे के सारे जो है अभी डिलीट हो गए, अभी सिर्फ ये जो है अबाउट अस है, वेबसाइट लिंक है और फेसबुक पेज है, ये तीन ही दिख रहे हैं। तो अब वेबसाइट पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद
ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इनेबल ऐप ब्राउज़र नेविगेशन बटन, इनेबल ओपन लिंक। आप चाहते हैं कि जो वेबसाइट हो, जैसे कि मैं एक डेमो देता हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि ये तीन ऑप्शन है नीचे में, इनेबल इन ऐप ब्राउज़र नेविगेशन बटन, बैक एंड फॉरवर्ड सपोर्ट, इनेबल टू ओपन वेबसाइट लिंक आउटसाइड द ऐप इन नेटिव ओएस ब्राउज़र। जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मेरा वेबसाइट एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मेरा एंड्रॉयड ऐप है, ये मैंने क्रिएट किया था। ये सारे मेन्यूज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पेज जो है सेम ब्राउज़र के अंदर, सेम एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन हो रहा है। ये जो है कहीं और फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, किसी और ब्राउज़र के अंदर, जैसे क्रोम को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, या इसी तरह फायरफॉक्स के अंदर ये ओपन नहीं हो रहा है, बल्कि एप्लीकेशन के अंदर ही हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट जो है पूरी की पूरी उसी एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन हो, किसी और ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सेम ब्राउज़र सेम एप्लीकेशन के अंदर ओपन ना हो, बल्कि आप अपने वेबसाइट को किसी और जगह से एक्सेस करें, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है आप अपने जो आइकॉन है, आइकॉन को चेंज करें, तो यहाँ से क्लिक करके जो है एक अपना आइकॉन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन पड़े हुए हैं, जो भी आप चाहते हैं कि जो आइकॉन हो वेबसाइट का, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो पहले ये आइकॉन इस तरह था, अभी ये हो गया है। जो भी चेंजेस करना है, ठीक है, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं पूरा के पूरा। ये वीव है कि किस तरह का हमारा एप्लीकेशन दिखेगा। अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा जब एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, पूरा के पूरा तैयार हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए एकदम, ये वेबसाइट है। अगर मैं इसको जो है यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये सेम ब्राउज़र के अंदर ही, सेम ऐप के अंदर ही ओपन हो रहा है, किसी और ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो है हमारे मेन्यूज़ हैं जो हमने दो चूज़ किए थे, एक तो ये वेबसाइट था और ये अबाउट अस पेज था। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अबाउट अस पेज पर आ जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा फेसबुक पेज था वो यहाँ पे आएगा पूरा के पूरा। शायद के कुछ तो है। अब यहाँ से जो है शेयर शेयर का भी ऑप्शन है कि अगर आप इसको शेयर करना चाहते तो शेयर भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये पूरा के पूरा काम कर रहा है। सारी चीज़ एडिट करने के बाद में अब को यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड फिनिश। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि
आप जो ऐप बना रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि 200 जो है रियाल और उसकी कॉस्टिंग, इसमें ये सारी चीज़ें होगी, यानी जो ऐप बनेगा क्रिएट करेंगे हम, वो क्रिएट जो है वो जो है ब्लैकबेरी के ऊपर भी काम करेगा, विंडोज़ के ऊपर भी, HTML5 वर्जन के अंदर होगा, एप्पल के अंदर भी होगा, इसी तरह एंड्रॉयड के अंदर और अमेज़ोन, ये सारे के सारे। तो आप यहाँ से जो है, अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम हो तो आप यहाँ से प्रीमियम प्लान चूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है फ्री का, आप ये फ्री वाला प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ्री वाला चूज़ करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, मैं यहाँ पे जाता हूँ माई ऐप के अंदर, तो यहाँ पर ये मेरा ऐप है। ठीक है, और ये बता स्टेटस बता रहा है कि फिनिश इट। इसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं कि आप अगर अपने ऐप को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसको अगर कोडिंग नहीं आती है तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि वो जो है इस वेबसाइट को यूज़ करके जो है अपना एंड्रॉयड बना सकता है, और बनाने के बाद में जो है उसको यूज़ कर सकता है। इसमें पुश नोटिफिकेशन का भी फैसिलिटी है कि जिसके ज़रिए जो है हम, जिन लोगों ने हमें हमारे ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, अगर हम चाहते हैं कि उसके पास कोई मैसेज भेजें तो यहाँ से पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए सबको एक बार में मैसेज भेज सकते हैं। फिर हमें जो है यहाँ पर जब हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ हम टेस्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन होगा, लेकिन अभी तक जो है देखिए ये स्टेटस अगर इस कलर का है तो इसका मतलब ये है कि ऐप क्रिएशन इन प्रोग्रेस, अगर इस कलर में तो ए फॉर डाउनलोड, अगर इस ये कलर है तो डाउनलोड लिंक एक्सपायर्ड और डिसअप्रूव्ड। तो अभी स्टेटस ये है, इस कलर के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि जो है हमारा ऐप अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस के अंदर है। जैसे मैंने कुछ दूसरे ऐप बना रखे थे टेस्टिंग के लिए, तो आप जैसे कि ये एक ऐप है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या इस लिंक के ज़रिए, इस लिंक को जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड हो, हम वहाँ पर ये लिंक दे सकते हैं, वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह जो है अगर, और इसी तरह यहाँ पर आईफोन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आईफोन के अंदर आपका ऐप यूज़ हो तो यहाँ से आईफोन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी उसके लिए अलग अलग कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि कैसे जो है विदाउट कोडिंग के, बगैर कोडिंग के रिक्वायरमेंट के अपने लिए एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जो है आप कॉमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।